दोस्तों, मैं जितेंद्र टेकॉम से बोल रहा हूँ। दोस्तों, आज जियोनी ने ऑफिशियली अपना A1 Plus फ़ोन लॉन्च कर दिया है। ये है दोस्तों मेरे हाथ में जियोनी A1 Plus फ़ोन। और दोस्तों, आपको शायद याद होगा कि जियोनी ने A1 फ़ोन लॉन्च किया था इन द मंथ ऑफ अप्रैल, और ये उससे भी एडवांस फीचर्स के साथ आता है। इसमें क्या क्या एडवांस फीचर्स हैं, पहले मैं उसके बारे में बता दूं। दोस्तों, इसका जो प्रोमिनेंट फीचर है वो है इसका डुअल लेंस कैमरा। इसमें दोस्तों दो लेंस लगे हुए हैं, एक है 30 मेगापिक्सल का और एक है 5 मेगापिक्सल का, और ये डुअल फ्लैश के साथ आता है। और दोस्तों, इसमें जो एक और जो प्लस पॉइंट है कि इसमें 20 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। आपको शायद याद होगा कि जियोनी A1 में 16 मेगापिक्सल का कैमरा था, तो नेचुरली इसमें ज़्यादा अच्छी फोकस्ड और ब्राइट सेल्फीज आती हैं। ये मैं आपको इसके बारे में बाद में बताऊंगा। तो दोस्तों, मैंने आपको शायद याद होगा कि मैंने इसकी अनबॉक्सिंग भी की है और मैंने इसका फर्स्ट इम्प्रेशन भी आपके सामने लेकर आया हूँ वीडियोस में, होपफुली आपने देखा होगा। मैं उस एस्पेक्ट पे आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, तो ब्रीफ में दोस्तों बात कर लेता हूँ इसके डिज़ाइन की। बहुत ही ब्यूटीफुली डिज़ाइन फ़ोन है। हालांकि 6 इंच की ये फैबलेट है, लेकिन इसका डिज़ाइन ऐसे किया गया है ताकि आप इसको इजीली सिंगल हैंड से भी पकड़ सकें और अच्छी ग्रिप बना सकें। तो आप जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बहुत सॉफ्ट मेटल यूज़ किया गया है, और जो इसके कॉर्नर्स हैं वो दोस्तों कर्व्ड हैं, और ऊपर एक वर्टिकल लाइन दी गई है, नीचे वर्टिकल लाइन दी गई है ताकि इसका एक सिमेट्री बन सके। और डुअल कैमरा के नीचे दोस्तों ये जियोनी का लोगो है। हालांकि शायद आपको लगेगा कि ये फिंगरप्रिंट स्कैनर भी है, लेकिन नहीं, ये सिर्फ लोगो दिया गया है। उसकी शेप ऐसे गोल बनाई गई है, और नीचे भी जियोनी की ब्रांडिंग दी गई है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और इसके राइट हैंड साइड पे दोस्तों पावर बटन है, वॉल्यूम रॉकर्स हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे इसका सिम स्लॉट दिया गया है। ये डुअल सिम फ़ोन है, हाइब्रिड सिम इसमें लगता है। टॉप पे 3.5 mm का हेडफोन जैक है, और नीचे USB चार्जिंग पोर्ट दिया गया है, और स्पीकर ग्रिल दी गई है। तो दोस्तों, ओवरऑल अगर इसकी डिज़ाइन की बात करें तो ये फ़ोन देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। और जहाँ तक इसके दोस्तों डिस्प्ले की बात करें तो ये 6 इंच का इसमें फुल HD डिस्प्ले है, और जिसकी रेजोल्यूशन है 1080x1920 pixels। ये अच्छे दोस्तों आपको व्यूइंग एंगल्स देता है, और आप सनलाइट में भी इसको देख सकते हैं, और काफ़ी अच्छी इसमें विजिबिलिटी आपको इवन सनलाइट में भी मिलेगी, क्योंकि ये 6 इंच की दोस्तों फैबलेट है। तो इसमें आपको मीडिया कंटेंट के लिए ये स्क्रीन का साइज़ आपको आइडियल रहेगा, और आप इसमें बहुत ही इंजॉयमेंट कर सकते हैं जब आप कोई भी इसमें यूट्यूब या और कोई वीडियोज़ देखेंगे। और गेमिंग के लिए तो दोस्तों ये फ़ोन बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये इसका स्क्रीन बड़ी है। और दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसके स्पेसिफिकेशन की। तो दोस्तों, अभी हम स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करें तो दोस्तों, इस फ़ोन को चलाता है एमिगो 4.0 OS, जो कि जियोनी का अपना डेवलप किया हुआ OS है, और ये एंड्रॉयड नगेट बेस्ड OS है। और दोस्तों, इसमें और अगर बात करें इसके हार्डवेयर की, तो ये 8 कोर का दोस्तों इसमें प्रोसेसर आता है, वो है मीडियाटेक का हीलियो P25 ऑक्टा कोर प्रोसेसर, और जिसकी क्लॉक स्पीड है 2.6 GHz। ये है दोस्तों हीलियो P25 प्रोसेसर, जो कि टॉप ऑफ द रेंज मीडियाटेक का प्रोसेसर है। और इसमें 4GB रैम दी गई है, 64GB की इंटरनल स्टोरेज है, जिसको कि आप फर्दर एक्सटेंड कर सकते हैं अप टू 256GB वाया माइक्रो SD कार्ड। और दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, इसकी स्क्रीन रेजोल्यूशन स्क्रीन की है 1080x1920, जो कि इसमें लिखा हुआ है। 6 इंच की दोस्तों स्क्रीन है, फुल HD डिस्प्ले। तो दोस्तों, अब मैं बात करता हूँ इसके परफॉर्मेंस की। इस फ़ोन को दोस्तों मैं करीबन 15 डेज से ज़्यादा से यूज़ कर रहा हूँ। मेरे को कभी भी इसमें फ़ोन में कभी कोई दिक्कत नहीं आई है। इसमें आपको लैगिंग का मैंने कोई इशू नहीं इसमें ऑब्जर्व किया है। फ़ोन हीट नहीं होता है, और गेमिंग, चाहे आप हाई रिसोर्सफुल गेम्स भी खेलें तो आप भली भांति फ़ोन इस पर गेम्स खेल सकते हैं। ये कोई भी आपको हिकअप्स नहीं आएगा, और
जो स्विचिंग बिटवीन द एप्स काफ़ी फास्ट है और सभी ये फंक्शन बहुत ही अच्छी तरह से खूबी से निभाता है ये फ़ोन। और इसमें आप मैंने तो कोई इशू इसमें ऑब्जर्व नहीं किया, होपफुली आप भी नहीं करेंगे। और दोस्तों इसका दोस्तों जो सबसे एक बहुत ही अहम फीचर है वो है इसकी ह्यूज 4550 बैटरी, यानी कि 4500 की एमएएच की, इसके 4550 की इसमें 200 mAh बैटरी दी गई है, जो कि अल्ट्रा फास्ट 18 वाट के साथ अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग के साथ आती है। और दोस्तों ये हालांकि इसकी फास्टिंग आज के चार्जिंग टाइम जो मैंने ऑब्जर्व किया है करीबन 2.5 घंटे लगते हैं इसको चार्ज करने में 0 to 100% तक जाने के लिए, लेकिन इसका दोस्तों सेविंग ग्रेस ये है कि ये आपका काम एक दिन से भी ज़्यादा निकाल देगी, चाहे आप इसको जितना मर्जी हैवी यूज़ करें। तो ये इसका दोस्तों एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। और इससे आप ये, क्योंकि इसमें बहुत पावरफुल बैटरी लगाई गई है, तो आप इसमें रिवर्स चार्जिंग भी कर सकते हैं, इट मीन्स कि आप दूसरे स्मार्टफोन भी इससे चार्ज कर सकते हैं। तो ये भी दोस्तों इसका एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसके एक बहुत ही महत्वपूर्ण फीचर की, वो है इसका डुअल कैमरा सेटअप। तो दोस्तों हालांकि इसमें डुअल कैमरा दिया गया है लेकिन इसमें कोई बम्प नहीं है, ये भी इसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर मैं मानूंगा। 13 MP प्लस 5 MP का दोस्तों दो कैमरा दिए गए हैं जो कि F2.0 अपर्चर के साथ आते हैं, और इसमें आपको एलईडी फ्लैश दिया गया है। और दोस्तों इसमें कई आपको मोड्स भी मिलेंगे, ये मैं अभी आपको दिखाता हूँ दोस्तों। तो ये भी दोस्तों इसका एक बहुत बड़ा फीचर है, ये देखिए इसमें आपको दोस्तों डिफरेंट मोड्स मिलेंगे, नाइट मोड मिलेंगे, नाइट मोड मिलेगा जिससे कि अगर आप फेडिंग लाइट या नाइट में फोटोग्राफी करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी फोटोग्राफी होगी। पैनोरामा मोड है, प्रोफेशनल मोड है, टाइम लैप्स का फीचर है, स्लो मोशन का फीचर है जो कि आपको वीडियो के लिए काम आएगा, और टेक्स्ट रिकॉग्निशन है। तो दोस्तों ये सब चीज़ें आपको इसमें मिलती है। और जहाँ तक दोस्तों बात करें इसके फिंगरप्रिंट स्कैनर की, उसके बारे में मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। मैंने दोस्तों अभी आपको कुछ, मैं आपको इमेजेस दिखाता हूँ जो मैंने इस पे खींची हैं, और ये देखिए ये दोस्तों तो रियर कैमरा से है, देखिए कितना इसमें आपको डिटेल मिलेगा, पीछे भी आप देख सकते हैं। और ये दोस्तों सेल्फी है, और देखिए सेल्फी में कितना ब्यूटीफुली आप इसमें ब्यूटिफिकेशन मोड से भी आप अच्छी सेल्फी खींच सकते हैं। ये दोस्तों ये फ्रंट कैमरा सॉरी बैक कैमरा से खींची गई है, अब आप देख सकते हैं कि इसमें डिटेल, कंट्रास्ट और शार्पनेस और ब्राइटनेस आपको काफ़ी मिलती है। तो दोस्तों ये बहुत ही बढ़िया और लाजवाब कैमरा है। ये दोस्तों मैंने जूम से खींची है, काफ़ी डिस्टेंस से खींची है, इसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी अच्छी इसमें आपको फोटोग्राफी करने को मिलेगी। ये देखिए प्लांट्स में ये कुछ गिरे हुए हैं, पानी के ड्रॉप्स, रेन के ड्रॉप्स हैं, तो उसके बावजूद भी आप सारा जो इसका काफ़ी इसमें दोस्तों आपको वाइब्रेंट रिप्रोडक्शन मिल जाएगी। तो मैं तो दोस्तों इसमें जो इसका प्राइमरी कैमराज है, दो कैमरा मिलकर ये बहुत अच्छी आप इससे फोटोग्राफी कर सकते हैं, और फुल फुल पॉइंट्स मैं तो दूंगा एज फार एज इसका दोस्तों रियर कैमरा इज कंसर्न। और फ्रंट कैमरा भी दोस्तों 20 MP का है, F2.0 अपर्चर का है, सेल्फी फ्लैश लगा हुआ है ताकि आप अगर कम लाइट में भी सेल्फी खींचना चाहें तो आप अच्छी सेल्फी खींच सकते हैं। तो दोस्तों इसका जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो फ्रंट पे दिया गया है, वो भी काफ़ी फास्ट है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए जब आप जस्ट ये देखिए दोस्तों इसका जो डुअल रियर कैमरा है जो कि जिसमें कि दो लेंस लगे हुए हैं, बहुत अच्छी फोटोग्राफी करता है। और इसका जो फ्रंट कैमरा है, सेल्फी कैमरा जिसको हम कह सकते हैं, वो है 20 MP का है, और वो भी आपको काफ़ी अच्छी आपकी सेल्फी खींच सकते हैं। 20 MP है, बहुत ही टॉप ऑफ द रेंज ये इसमें फ्रंट कैमरा दिया गया है, फिंगरप्रिंट स्कैनर फास्ट है, बैटरी इसमें ह्यूज दी गई है, 4550 mAh बैटरी। इससे आप दूसरे फ़ोन भी
इसको भी आप चार्ज कर सकते हैं। और दोस्तों जहाँ तक बात करें कंपटीशन की, तो अभी शायद आपको आपने सुना होगा कि रिसेंटली ऑनर 8 प्रो भी लॉन्च हुआ है डुअल कैमरा के साथ, जिसकी प्राइस है 29,999 रुपीज़। और उसमें दोस्तों दो कैमरा दिए गए हैं, 12 मेगापिक्सल और 12 मेगापिक्सल का। और एक और फ़ोन लॉन्च हुआ है OnePlus 5, उसमें 16 मेगापिक्सल के दो कैमरा हैं। और अगर उनकी क्वालिटी को आप कंपेयर करें, हालांकि मैंने OnePlus 5 को तो दोस्तों मैंने टेस्ट नहीं किया है, लेकिन Honor 8 Pro को मैंने ज़रूर टेस्ट किया है, और क्वालिटी वाइज ये फ़ोन भी आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस देता है। और दोस्तों इसकी जो प्राइस है वो भी काफ़ी कॉम्पिटिटिव है, 26,999 रुपीज़। और इसमें जो इन दोनों फ़ोन से जो इसका प्लस पॉइंट है वो है इसकी ह्यूज बैटरी 4550। और ये जोनी माना जाता है अपनी बैटरीज़ के लिए, और इन्होंने रिसेंटली काफ़ी फ़ोन निकाले हैं जिसमें कि मैसिव बैटरी लगाई गई है। हालांकि इसमें बहुत ही मैसिव बैटरी है, लेकिन उसके बावजूद भी ये फ़ोन है तो हैवी दोस्तों, इसका जो वेट है 226 ग्राम्स है, लेकिन इतना हैवी भी नहीं है कि आप इसको सिंगल हैंड से ऑपरेट ना कर सकें। अगर आपके हाथ बड़े हैं तो आप डेफिनेटली दोस्तों इसको सिंगल हैंड से ऑपरेट कर सकते हैं। और दोस्तों इसके अलावा इसकी जो प्राइस भी है 26,990 रुपीज़, वो ठीक ठाक लगती है प्राइस, थोड़ा सा और कम हो सकती थी। लेकिन ये दोस्तों फ़ोन आपको मिलेगा दो कलर में, ये ब्लैक कलर है और एक मोशा कलर में भी ये फ़ोन आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप मेरे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप मेरा ब्लॉग भी पढ़ सकते हैं जिसका नाम है techwarm.com। थैंक यू वेरी मच एंड बाय।